हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। फ्रेंड्स, सेप्टेम्बर 10 इसी पोस्ट का जो CBT मोड में आपका एग्जामिनेशन होगा डिफरेंट रेट का, उसका पार्ट वन वीडियो ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ए है पार्ट टू वीडियो, इसका प्लेलिस्ट एंड पार्ट टू वीडियो का जो लिंक है, ठीक है, वो भी मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगा। और PDF कॉपी के लिए आपको ज्वाइन करना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करने का लिंक भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसी से आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, देखिए ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने डिज़ाइन किया हो, ठीक है, ये जो ITI का डिफरेंट ट्रेड है, ठीक है, उसी के लिए जो कॉमन सिलेबस रहता है उसी के ऊपर बेस करके मैंने ये क्वेश्चन बैंक जो है वो प्रिपेयर किया हो, तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, MMB सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो DRDO सेप्टेम्बर 10 इसी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो आगे आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है MMB डीजल मैकेनिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। इन ए फोर स्ट्रोक इंजिन रोटेट्स विद 1000 RPM, ठीक है, द नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस पर मिनट, ठीक है। तो देखिए क्रैंकशाफ्ट जो है ना, क्रैंकशाफ्ट का टू रिवोल्यूशन में एक इंजन में फोर स्ट्रोक बनता है, ठीक है। एक मान लीजिए ये एक क्रैंकशाफ्ट है, ठीक है, एक क्रैंकशाफ्ट है एंड क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा रहता है कनेक्टिंग रॉड, ठीक है। क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़े रहते हैं कनेक्टिंग रॉड जिसको हम इधर से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, एंड कनेक्टिंग रॉड का साथ जो जुड़ा रहते हैं वो है पिस्टन, ठीक है, वो है पिस्टन एंड इसका बाहर में रहते हैं क्या सिलेंडर, ठीक है। तो देखिए ये जो क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट का इधर से क्रैंकशाफ्ट अगर मूव कर रहे हैं तो जब इस पॉइंट में आता है तो क्या है कनेक्टिंग रॉड एक्सट्रीम BDC में आता है, बॉटम डेड सेंटर में आता है एंड इसके तरफ रोटेट होकर फिर अब क्रैंकशाफ्ट जब इस पॉइंट पे आता है तो टॉप डेड सेंटर पे जाता है, ठीक है। ये टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। तो क्या है क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक बनता है, टू स्ट्रोक बनता है। तो फोर स्ट्रोक कंप्लीट होने के लिए क्रैंकशाफ्ट को कितना टाइम रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, टू टाइम्स रिवोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये जो फोर स्ट्रोक है, फोर स्ट्रोक में एक ही पावर स्ट्रोक बनता है, ठीक है। तो क्रैंकशाफ्ट का टू रिवोल्यूशन में एक पावर स्ट्रोक बनता है, इधर में क्रैंकशाफ्ट का रिवोल्यूशन दिया है 1000 RPM, तो पावर स्ट्रोक कितना बनेगा इसका बिल्कुल हाफ, तो 1000 का हाफ क्या होगा, 1000 का हाफ होगा 500। तो क्रैंकशाफ्ट का अगर RPM है 1000 RPM तो कितना पावर स्ट्रोक प्रोड्यूस होता है एक फोर स्ट्रोक इंजन में, वो है 500 पावर स्ट्रोक इसका मिलता है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है व्हाट इज द मोस्ट सुइटेबल साइज ऑफ ए रॉड ऑफ MS थ्रेड ऑफ M16 थ्रेडिंग। तो देखिए M16 थ्रेडिंग अगर कोई रॉड के ऊपर अगर करना है आपको तो आपको एक ब्लैंक का जरूरत पड़ेगा, आप एक्सटर्नल थ्रेड क्रिएट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए उसका फॉर्मूला तो हम जानते ही है, ठीक है, M6 माइनस 0.1 इंटू पिच। तो देखिए अगर कोई थ्रेड M6 है तो इसका जो साइज है ठीक 6 हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला का 0.1 इधर में लिख लेते हैं एंड पिच का वैल्यू क्या है, M6 थ्रेड का पिच जनरली होता है 1, ठीक है। तो 6 माइनस 0.1 तो आपका आंसर हो जाएगा 5.9। एंड देखिए ये जो विभिन्न डिफरेंट जो थ्रेड है, ठीक है, M6 को आपको पूछ सकते हैं M10, तो डिफरेंट M6 जो थ्रेड है उसका जो पिच है वो आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.9 ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है ड्यूरिंग व्हिच स्ट्रोक द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज लेस देन एटमोस्फियरिक। तो देखिए हम लोग तो जानते हैं जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट से एयर जो है वो फ्लो करते हैं हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में, ठीक है। तो देखिए ए है आपका सिलेंडर, इसके अंदर रहते हैं आपका पिस्टन, ठीक है, एंड पिस्टन में सिलेंडर के अंदर सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है एटमोस्फियर से एयर पिस्टन के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो देखिए एटमोस्फियर से एयर फ्लो करता है पिस्टन के अंदर, तो इसी टाइम एटमोस्फियर का प्रेशर ज़्यादा रहते हैं एंड पिस्टन के अंदर सिलेंडर के अंदर प्रेशर लो रहते हैं, ठीक है, थीके? इसी कारण एयर एटमोस्फियर से सिलेंडर के अंदर जाते हैं। तो ड्यूरिंग इंडक्शन और सक्शन स्ट्रोक में
प्रेशर जो है वो लेस देन एटमोस्फियरिक रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द क्रैंकशाफ्ट एंड द, तो देखिए पहले भी एक फिगर मैंने ड्रॉ किया था उससे आपको समझ देता हूँ, ठीक है। देखिए इधर में ये जो क्या है, ये है एक कनेक्ट, ये है एक क्रैंकशाफ्ट, ये है एक क्रैंकशाफ्ट, एंड क्रैंकशाफ्ट के साथ जुड़ा रहते हैं क्या, इसका हम बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, क्या बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड, एंड इसका नाम क्या है, इसका नाम है पिस्टन, ठीक है, इसका नाम है पिस्टन। तो देखिए ये जो कनेक्टिंग रॉड है इसका एक तरफ है क्रैंकशाफ्ट एंड दूसरा तरफ क्या रहते हैं पिस्टन। तो अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स क्रैंकशाफ्ट एंड, तो कनेक्टिंग रॉड का एक एंड में रहते हैं क्रैंकशाफ्ट एंड दूसरा एंड में क्या रहते हैं, दूसरा एंड में रहते हैं पिस्टन, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है टू डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर हाउ मेनी डिग्री ऑफ एमएसडी, एमएसडी का मतलब है मेन स्केल डिवीजन इज टेकन, तो देखिए मेन स्केल का जो 23 डिवीजन है वो इक्विवेलेंट टू 12 वर्नियर स्केल, ठीक है, तो 23 को हम 12 से डिवाइड करते हैं उसी के लिए इसका वैल्यू आ जाता है 1 डिग्री 55 मिनट, जो है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का वर्नियर स्केल का वैल्यू, ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा 23 डिग्री। देखिए बात का जो जीरो है, ठीक है, जो लास्ट वाला जो जीरो है ये जीरो नहीं है, ये डिग्री का जीरो है, ठीक है, फ्रंट के लिए ऐसा हो गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है मोर्स टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर, ठीक है, तो देखिए मोर्स टेस्ट जनरली होता है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए जो उसके इंजन के अंदर जो पावर डेवलप होता है उसको मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा टेस्ट का, मोर्स टेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, चेन सीलिंग आर यूज्ड फॉर, तो चेन सीलिंग जो यूज होता है वो हेवी लोड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो चेन सीलिंग का आंसर हो जाएगा हेवी लोड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है द पावर डेवलप बाय द इंजन इज कॉल्ड, तो कोई भी इंजन में जो पावर डेवलप होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, एंड क्रैंकशाफ्ट में जो पावर अवेलेबल रहते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रेक पावर, ठीक है। तो फ्रिक्शनल पावर क्या है, इंडिकेटेड पावर से हम ब्रेक पावर को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो आपको पास आ जाता है फ्रिक्शनल पावर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले भी बता चुका हूँ ये जो क्वेश्चन बैंक है सभी ट्रेड के लिए हेल्पफुल होगा, ऐसे करके मैंने डिजाइन किया हो। अगर आपको लग रहा है ये आपका स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं है तो दो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसका 70-80% क्वेश्चन सभी ट्रेड के लिए कॉमन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है काउंटर बोर्डिंग, काउंटर बोर्डिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, तो काउंटर बोर्डिंग क्या ऑपरेशन है, कोई भी सॉकेट कोई भी स्क्रू का हेड को रेस्ट करने के लिए उसका एंड पोजीशन को एनलार्ज करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं काउंटर बोर्डिंग, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा, इधर में आ जाइए, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, उसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू, कोई भी सॉकेट और हेड कोई भी बोल्ट का हेड को रेस्ट करने के लिए हम जो ऑपरेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटर बोर्डिंग। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है SWL, एक एब्रिविएटिव नेम है, SWL का एब्रिविएटिव नेम जो है S फॉर है सेफ, W फॉर है वर्किंग एंड L का मतलब है लोड, तो सेफ वर्किंग लोड का शॉर्ट फॉर्म है SWL। नेक्स्ट आते हैं हैंड स्निप्स कैपेबल टू कट शीट मेटल अप टू, तो हैंड स्निप्स के हेल्प से आप 1.2 मिलीमीटर का कोई शीट है तो आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। एंड देखिए फ्रेंड्स, स्निफ जो है, ठीक है, इसको इसके साथ आपको एक रिलेटेड क्वेश्चन में बता देता हूँ, स्निफ जो है स्निफ के हेल्प से हम कोई थिन शीट मेटल काट सकते हैं एंड शियर का हेल्प से हम काट सकते हैं थिक शीट मेटल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है नेम द मैलेट यूज फॉर द स्ट्रेचिंग द शीट मेटल, शीट मेटल को अगर आपको स्ट्रेच करना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड फेक मैलेट, ठीक है। एंड देखिए शीट मेटल वर्किंग के लिए हम जो वुडन हैमर जो यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मैलेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है द बेंडिंग ऑफ रोप, कोई भी रोप को बेंडिंग करने का जो ऑपरेशन है इसको बोलते हैं हम बाइंड बोलते हैं,
39 में क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल कैन विदस्टैंड शॉक एंड इंपैक्ट लोड। ठीक है, तो शॉक एंड इंपैक्ट लोड को रेजिस्ट करने के लिए मेटल का अंदर का जो कैपेसिटी है, ठीक है, जो सहनशीलता है, उसको हम बोलते हैं टफनेस। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको शॉक एंड इंपैक्ट ऐसा कोई टर्म्स अगर आपको मिल गया है तो उसका आंसर हो जाएगा टफनेस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है प्रूशियन ब्लू इज यूज्ड ऑन, तो देखिए प्रूशियन ब्लू जो है, ठीक है, प्रूशियन ब्लू है एक मार्किंग मीडिया, डाई मार्किंग मीडिया, जिसको हम मेथिलेटेड स्प्रिट के साथ मिक्सअप करके जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, एंड उसको हम इस्तेमाल करते हैं मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर, ठीक है, एंड कोई रफ सरफेस के ऊपर अगर आपको मार्किंग मीडिया अप्लाई करना है तो आप किस मार्किंग मीडिया का सहारा लोगे, वो है व्हाइट वॉश। ठीक है, व्हाइट वॉश नहीं, चॉक पाउडर, चॉक पाउडर, ठीक है, चॉक पाउडर कोई रफ कास्टिंग सरफेस के ऊपर मार्किंग मीडिया के रूप में काम करते हैं, एंड मशीन फिनिश सरफेस के ऊपर प्रूशियन ब्लू मार्किंग मीडिया के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है द एंगल प्लेट लुक्स लाइक इंग्लिश अल्फाबेट। तो एंगल प्लेट का जो फिगर है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो एंगल प्लेट का फिगर कुछ देखने को ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एंड इसमें कुछ ऐसा स्लॉट्स भी होता है बोल्ट को एकोमोडेट करने के लिए। तो देखिए अगर इसी तरफ से आप एंगल प्लेट को देख रहे हो, ठीक है, तो एंगल प्लेट को शेप कितना कैसे लगेगा आपको, एंगल प्लेट का शेप लगेगा इंग्लिश अल्फाबेट एल की तरफ। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा एल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है टू द स्टॉक ऑफ द ट्राई स्क्वायर इज मेड ऑफ, तो ट्राई स्क्वायर का जो स्टॉक है, ठीक है, वो बनती है कैसे, कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका आंसर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द हार्मफुल इफेक्ट फॉर लीडिंग टू क्रैक। ठीक है, तो देखिए मेटल के अंदर अगर हाइड्रोजन इंटरप्ट होता है तो मेटल के अंदर जो डिफेक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रिटलमेंट। ठीक है, तो उसका किस गैस का प्रेजेंट के लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस के लिए ए होता है, तो 43 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है द थर्ड टैप और बॉटमिंग टैप व्हिच इज यूजफुल थ्रेडेड द बीवेल एज इज, तो देखिए थर्ड टैप का जो एंगल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, फर्स्ट टैप है, सेकेंड टैप है एंड थर्ड टैप है, हम जानते हैं एक टैप सेट में थ्री टैप्स रहते हैं, तो थर्ड टैप और बॉटमिंग टैप जो है उसका एंगल क्या है बीवेल एज का, उसका एंगल होगा 20 डिग्री। ठीक है, उसका एंगल होता है 20 डिग्री, तो थर्ड टैप और बॉटमिंग टैप का बीवेल एज का एंगल होता है 20 डिग्री। 10 होता है इंटरमीडिएट टैप का, ठीक है, इंटरमीडिएट जो टैप है उसका एंगल होता है बीवेल एज का 10 डिग्री, एंड 40 डिग्री क्या होते हैं फर्स्ट टैप और टेपर टैप। ठीक है, फर्स्ट और टेपर टैप का जो बीवेल एज का एंगल है वो होता है 40। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है टेस्ट पीस इज मेड ऑफ, तो टेस्ट पीस जो है उसको जो हम कैलिब्रेशन करने के लिए यूज करते हैं माइक्रोमीटर में, तो उसका वो बनते हैं एलॉय स्टील से, उसको मैन्युफैक्चर होता है एलॉय स्टील से। ठीक है, एंड देखिए माइक्रोमीटर को कैलिब्रेशन करने के लिए हम टेस्ट पीस छोड़ के एक और चीज भी इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्लिप गेज। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है व्हिच माइक्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पिच डाया ऑफ द स्क्रू थ्रेड, तो कोई भी स्क्रू थ्रेड का पिच डाया मेजर करने के लिए हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एंड रोलिंग मिल माइक्रोमीटर कोई शीट जो अगर आपके पास है तो उस शीट का थिकनेस मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोलिंग मिल माइक्रोमीटर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 में पूछा है एक इन ए बैक हैंड वेल्डिंग द एंगल बिटवीन द वेल्डिंग टॉर्च एंड द वर्क, तो बैकहैंड वेल्डिंग में वेल्डिंग टॉर्च एंड जॉब का अंदर जो एंगल बनते हैं, ठीक है, एक बैकहैंड वेल्डिंग का पिक्चर हम ड्रॉ कर देते हैं इधर में। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन किंतु वेल्डर टर्नर फिटर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसको आपको आपका फ्रेंड्स के अंदर भी शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये अगर आपको अच्छा लगा है तो, ठीक है। तो देखिए, एक बैक हैंड वेल्डिंग है, ठीक है, सॉरी,